हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल शागुतस किचन। मेरी आज की रेसिपी है कि बहुत ही टेस्टी डिनर रेसिपी, पनीर बटर मसाला। सबसे पहले कढ़ाई में 1 टेबल स्पून घी डाल देंगे। घी जब मेल्ट हो जाए, 4 टेबल स्पून रिफाइंड ऑयल। आप चाहे तो पूरा रेसिपी घी या बटर या फिर दोनों की कॉम्बिनेशन में बना सकते हैं। 1/2 टीस्पून नमक। पनीर ले रही हूँ 250 ग्राम। इनको इस तरह से क्यूब्स में काट लिए हैं। आप चाहे तो पनीर को बिना फ्राई किए भी बना सकते हैं, लेकिन मैं इनको हल्की सी फ्राई कर लूँगी। बिना पलट कर 1 मिनट तक इसी तरह से फ्राई होने देंगे मीडियम फ्लेम पर, नहीं तो पनीर टूट सकती है। उसके बाद पलट कर दोनों तरफ से ही ब्राउन होने तक 2 से 3 मिनट के लिए फ्राई कर लेंगे मीडियम फ्लेम पर। पनीर फ्राई हो चुकी है, इनको उठा लेते हैं। मैंने इनको इस तरह से फ्राई कर लिए है, आप चाहे तो इससे कम भी फ्राई कर सकते हैं। उसी तेल में 1 तेज़पत्ता, 1/2 जावित्री, 1/2 इंच बराबर दालचीनी, 1 टीस्पून इलायची पाउडर, आप चाहे तो इलायची होल भी ऐड कर सकते हैं। मिक्स करेंगे सभी चीज़ों को। 2 से 3 सेकंड्स के लिए मीडियम फ्लेम पर फ्राई करेंगे। 1 टीस्पून नमक, 3 मीडियम साइज प्याज का पेस्ट। प्याज को मीडियम फ्लेम पर 1 से 2 मिनट के लिए कलर चेंज हो जाने तक फ्राई कर लेंगे। प्याज फ्राई हो चुकी है, अब इसमें ऐड कर रही हूँ 1 टेबल स्पून अदरक का पेस्ट, 1 टेबल स्पून लहसुन का पेस्ट। मिक्स करेंगे, गैस का फ्लेम मीडियम कर देंगे। 1 मीडियम साइज टमाटर का पेस्ट मिक्स करेंगे। मिक्सर ग्राइंडर धोकर 1/2 कप पानी। मसालों को तेल छोड़ जाने तक पका लेंगे 1 से 2 मिनट। मसालों ने तेल छोड़ दिए है, ऐड कर रही हूँ 1/2 कप पानी। इससे मसाले जलेंगे नहीं। वन टीस्पून हल्दी पाउडर, 2 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, तीखा आप इससे ज़्यादा या कम ऐड कर सकते हैं आपके टेस्ट के अकॉर्डिंग। 1 टीस्पून जीरा पाउडर, 1 टीस्पून धनिया पाउडर, 1/2 कप और पानी। थोड़ा थोड़ा करके पानी डालकर मसाला भूनने से ग्रेवी बहुत ज़्यादा टेस्टी बनती है। फिर से 1/2 कप पानी, 1.5 टेबल स्पून दही। दही या फिर मलाई ऐड करने समय अगर हम थोड़ी सी पानी डालकर ऐड करेंगे तो ग्रेवी की फटने की चांसेस बहुत कम है। मिक्स कर लेंगे। 1.5 टीस्पून नमक, नमक आप टेस्ट कर लीजिएगा, अगर ज़रूरत पड़े तो ही ऐड कीजिए। इनको हम ढककर पकाएंगे 1 से 2 मिनट हाई फ्लेम पर तेल छोड़ जाने तक। मसालों ने तेल छोड़ दिए हैं और कलर भी चेंज हो चुका है और ये इस तरह से थिक भी बन चुकी है। फिर से 1/2 कप पानी ऐड कर रही हूँ। क्रीम, इसकी जगह आप चाहे तो नॉर्मल दूध, मलाई या फिर दूध को बॉईल करने के बाद मलाई को ऐड कर सकते हैं। 2.5 टेबल स्पून क्रीम ऐड करने के बाद ही हम बहुत अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लेंगे। क्रीम से ही हमारी ग्रेवी की कलर बहुत अच्छी आएगी। 1 टेबल स्पून बटर मिक्स करेंगे। 1/2 टीस्पून गरम मसाला पाउडर, 1 टीस्पून ब्लैक पेपर पाउडर मिक्स करेंगे। देंगे इसमें हम जितना ग्रेवी चाहते हैं उतना ही पानी। मैंने लगभग 2 कप पानी डाल दिए हैं। और इनको कवर कर देंगे 2 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पर अच्छी तरह से उबाल आने तक। इस तरह से एक बार मिक्स करेंगे।
और इनमें फ्राई की हुई पनीर डाल देंगे। पनीर थोड़ी सी गर्म हो चुकी है क्योंकि हमने कुछ खा लिए थे, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, घर की ही तो है। सभी चीज़ों को मिक्स करने के बाद गैस का फ्लेम कर देंगे लो और इसको ढककर पकाएंगे 10 मिनट पनीर सॉफ्ट होने के लिए। इनका कलर काफ़ी सुंदर आया है और ग्रेवी भी इस तरह से ड्राई हो चुकी है। आप चाहे तो इस स्टेज में थोड़ी सी और पानी डालकर इसकी ग्रेवी को पतली बना सकते हैं या फिर इसको और भी ड्राई बना सकते हैं, लेकिन मैं इससे ज़्यादा इसको नहीं पकाऊंगी क्योंकि ठंडी होने के बाद और भी ड्राई हो जाएगी। आखिर में ऐड कर रही हूँ 1/2 टीस्पून घी, 1 टेबल स्पून कसूरी मेथी। मिक्स कर लेंगे। और इनको ढककर पकाएंगे सिर्फ 2 मिनट लो फ्लेम पर, घी और कसूरी मेथी की फ्लेवर ग्रेवी में आ जाने के लिए। 2 मिनट हो चुके हैं, गैस का फ्लेम कर देंगे हाई। मिक्स करेंगे। आप इसको रोटी पराठा या फिर चावल के साथ सर्व कर सकते हैं, डिनर के लिए या फिर लंच के लिए भी बहुत ही अच्छी रेसिपी है। अभी हम इनको सर्व कर देंगे। पनीर बटर मसाला को आप ज़रूर घर में ट्राई कीजिए और कमेंट कीजिए कि कैसी बनी है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, आप चाहे तो शेयर भी कर सकते हैं इस वीडियो को। मेरी चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।